नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बिहार शिक्षक भर्ती की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, जिसमें हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बहुत से कैंडिडेट को पूछ के गहन रिसर्च करके और बनाई गई कट ऑफ है, और ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके आधार पर हम आप पता लगा सकते हो कि आपका सिलेक्शन में कि कहाँ पे हो सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बात करते हैं आज की कट ऑफ के बारे में। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको BPSC बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जितनी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी अपडेट सबसे पहले सबसे तेज़ आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं आज की कट ऑफ की। तो कट ऑफ में जो प्राथमिक सीट पर कट ऑफ रहेगी, वो जो कंपटीशन रहेगा वो 6.55 दशमलव का रहेगा, और माध्यमिक में रहेगा 1.8 दशमलव का, और उच्च माध्यमिक में रहेगा 0.64% का। जो रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट BPSC ने 20 से 25 सितंबर के बीच में निकालने का बोला है। रिजल्ट बिहार शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है 20 से 25 सितंबर के बीच में आपके सामने होगा। इससे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अगर BED को इनरोल करें तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, और BED को अगर इनरोल ना करें तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, दोनों को अलग अलग बात में हम समझेंगे। तो पहले बात करते हैं अगर BED को शामिल कर लें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल कैंडिडेट की क्या रहेगी और फीमेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की कट ऑफ क्या रहेगी। अगर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है तो उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 65 से लेकर 70% तक अगर BED को इनरोल करें, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसकी रहेगी कट ऑफ 60 से लेकर 65% तक। फिर बात करते हैं OBC कैंडिडेट की। तो OBC कैंडिडेट जो मेल है उसकी कट ऑफ रहेगी 63 से लेकर 69% तक, और 68% तक, और OBC फीमेल की रहेगी वो रहेगी 57 से लेकर 60% तक। फिर बात करते हैं हम EBS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की। तो वो रहेगी 60 से लेकर 65% तक, और EBS फीमेल की रहेगी वो रहेगी 54 से लेके 59% तक। फिर बात करते हैं हम SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी में जो कट ऑफ रहेगी वो 55 से लेके 60% तक रहेगी, और ये और जो SC कैटेगरी फीमेल की रहेगी वो रहेगी 50 से लेके 55% तक। फिर बात करते हैं ST कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की। जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 45 से लेके 50% तक, और ST कैटेगरी के जो फीमेल की रहेगी वो भी 45 से लेके 50% तक, जिनका क्राइटेरिया उसकी उतनी उसके अकॉर्डिंग रहेगी। फिर बात करते हैं EWS की। तो EWS की जो कट ऑफ है वो OBC के लगभग समान रहेगी, तो इनकी जो कट ऑफ है 60 से लेके 65% तक रहेगी, और EWS फीमेल कैंडिडेट की वो कट ऑफ रहेगी वो 55 से लेके 60% तक। फिर बात करते हैं PWD और एक्स सर्विसमैन जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया, तो क्वालिफाई करने के बाद उनका नंबर सिलेक्शन श्योर है। फिर बात करते हैं अगर BED को इन्वॉल्व ना करें, तो BED को अगर इन्वॉल्व ना करें तो क्या कट ऑफ रहेगी। तो वो कट ऑफ रहेगी मेल की अलग रहेगी फीमेल की अलग रहेगी। तो पहले बात कर लेते हैं मेल की क्या कट ऑफ रहेगी। तो जो मेल की कट ऑफ रहेगी वो कट ऑफ रहेगी 55 से लेके 60% तक, और जो फीमेल की रहेगी वो रहेगी 50 से लेके 55% तक। फिर बात करते हैं OBC के मेल कैंडिडेट की क्या कट ऑफ रहेगी। वो रहेगी 50 से लेके 55% तक, और OBC फीमेल की क्या रहेगी वो रहेगी 45 से लेके 50% तक। फिर बात करते हैं EBS की। तो EBS की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 48 से लेके 50% तक, और EBS फीमेल कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 43 से लेके 50% तक। फिर बात करते हैं SC कैटेगरी की। तो SC कैटेगरी की जो कट ऑफ रहेगी मेल कैंडिडेट की वो रहेगी 45 से लेके 48% तक, और जो SC कैटेगरी की जो फीमेल है उसकी कट ऑफ रहेगी 40 से लेके 45% तक। फिर बात करते हैं ST की। और ST की जो कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 40 से लेके 45% मेल कैंडिडेट की, और फीमेल कैंडिडेट की रहेगी वो रहेगी 38 से लेके 40% तक। फिर बात करते हैं EWS की। तो EWS की जो मेल कैंडिडेट की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 48 से लेके 50% तक, और EWS फीमेल की रहेगी वो रहेगी 43 से लेके 45% तक। फिर बात करते हैं PWD और एक्स सर्विसमैन की। तो PWD और एक्स सर्विसमैन जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है उनका सिलेक्शन श्योर है। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और BPSC से रिलेटेड, बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हम आपको चैनल
इस चैनल के माध्यम से जो जितनी भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी न्यूज़ होती रहती है वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।